क्षेत्र पंचायत बैठक की शुरुआत सदस्यों तथा ग्राम प्रधान द्वारा संपन्न हुई। वहीं पिसवा ब्लॉक प्रमुख राम किशन पांडे द्वारा स्वच्छता मिशन के तहत गांव में सरकार द्वारा बनाए जाने वाले शौचालयों के निर्माण का मुद्दा चाया रहा। इसी बीच सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने अपने अपने कार्यों का बखान भी किया, जहाँ बैठक में ADO पंचायत ज्ञान सिंह ने स्वच्छ मिशन के तहत बनाए जा रहे शौचालय निर्माण के बारे में जानकारी दी। वहीं ADO कृषि प्रदीप कुमार द्विवेदी ने फसल के तहत कृषि बीज भंडार व कृषि यंत्रों के बारे में लोगों को जानकारी दी। वह ग्राम पंचायत अधिकारी सुभाष दीक्षित ने ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाकर गरीबी रेखा से ऊपर उठने का तरीके बताए। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने मिजलेश रूबेला के टीकाकरण अभियान में 100% टीकाकरण करने के लिए सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। पंचायत पिसावा की बैठक एजेंडा के अनुसार आज प्रस्तावित थी। क्षेत्र पंचायत पिसावा के सभागार में खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से क्षेत्र पंचायत की बैठक संचालित कराई गई, जिसमें पूरे विकास खंड के सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य और सम्मानित ग्राम प्रधानगण, पदेन समस्त सदस्य के रूप में हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्यगण, सारे लोग आज ब्लॉक परिसर के इस क्षेत्र पंचायत की बैठक में आए। और आज हम लोगों की बैठक का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य योजना 18-19 और चतुर्थ राज्य वित्त योजना की वार्षिक कार्य योजना बनाना था। हमारे सभी सदस्यों ने एक राय और एक मत होकर पिछली कार्यवाही की पुष्टि करते हुए विभिन्न विषयों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई और उसके बाद नियमानुसार मेरे द्वारा बैठक का समापन किया गया। हम लोगों ने लेबर बजट के अनुसार लगभग 5 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 की हम लोगों ने बनाई है, जिसका क्षेत्र पंचायत में अनुमोदन किया गया और जिसको हम लोग स्वीकृति। सीतापुर से दीपेंद्र यादव की रिपोर्ट।